खरगोन जिले के कसराबा थाना अंतर्गत ग्राम बालासमुंद में जो गोली चलाए जाने का मामला सामने आया है। गनीमत ही रही कि गोली किसी को लगी नहीं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक ने गोली चलाई। मामले को लेकर फरियादी द्वारा बताया गया कि 4 से 5 वर्ष पहले भी आरोपी द्वारा मेरे लड़के पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसको लेकर आरोपी को सजा भी हुई, लेकिन जेल से छूटने के बाद बदमाश विजय द्वारा घर में घुसकर गोली चलाई, लेकिन गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। घटना की जानकारी रिपोर्ट फरियादी द्वारा कसरावत थाने पर लिखाई गई है। आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जी, ये जो गोली चली थी तुम्हारे घर पे, क्या मामला था ये? ये मेरे मनीष को ढूंढने आए थे। वो ढूंढने एक बार आया तो मैं किचन में थी, ये यहाँ लेटे थे, तो कह कि मनीष कहाँ है। तो हमने बोला कि मनीष क्या कह रहे भैया, हमको दिख नहीं रहा, रुक जाओ भैया, क्या लेने आए भैया, क्या कह रहे भैया, कुछ काम है भैया। तो फिर वो चला गया कि मेरे को मनीष से काम है। तो फिर डबल से आया, उधर रोड तरफ से आया, इधर पहली बार तो इधर गली में से ऐसा गया, फिर रोड पे से आया न, फिर आके न एकदम गोली चला दी कि ये मनीष ही सोया है नहीं। तो उसने दो चलाई और कोई था साथ में उसके कि अकेले? वो अकेला था सर। क्या नाम था उसका? उसका नाम विजय था। नहीं, पहले भी इसने आपके लड़के? हाँ, मेरे लड़के को नहीं, चाकू मारा नहीं। क्या उसमें नहीं, क्या क्या मामला था? वो गाड़ी, उसकी गाड़ी चलाता था, वो पेशेंट देता था, छोरा बनाया था उसके माँ बाप ने, तो मेरा भी छोरा छोरा बन गया था। उनको पाल पोस भी रहा था मेरा छोरा कि भाई अपने पास तो एक है, एक दे देनी, एक ले लिया हमारे छोरे को, तो कुछ पैसे भी नहीं दे और गाली बके और रोटी वहीं कभी खिलाए कभी, तो मेरे छोरा मेरे घर ही खाए, सोने हमारे घर ही जाए, सब जा जाए वहाँ ले जाए उसको। न फिर बोला कि मेरे पैसे दो, बहुत साल हो गए, मेरे पैसे दो भैया, कुछ भी तो दो। तो क्या हुआ था उस मामले में बाद में? तो वो बोला कि अपना छोरा ही ले आया था। वो बोला कि चल तेरा हिसाब कर दूँ। तो ढलखेड़े रोड पे ले गया, भट्टे पे, हमारा भट्टे पे ले गया, और हम घर थे तो वो ले गया, मैं राखी बांधने चली गई थी। तो लेकिन उसने चाकू भर दिया, चाकू घुसेड़ा, फिर घुसेड़ा, तो फिर उसने लात मारी, बचाओ बचाओ चिल्लाया मेरा छोरा। तो गाड़रे वाले सब भगते आए ना, उसको लट लकड़ी पत्थर मारे, तो उधर केले में नर्मदा के धड़ से भग गया। अभी जो चाकू मारा था, अभी जो क्या गोलियां फायरिंग हो गई थी, अभी हम बच गए नहीं, बच गए नहीं। शिकायत कर दी तुमने? हाँ कर दी सर, हम कसरावत गए थे, यहाँ पे सर नहीं मिले, फिर हम कसरावत गए थे। क्या नाम था आरोपी का? विजय पाटीदार। उसके पिता का नाम क्या था? ओंकार। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला है। आपके लड़के का नाम? मनीष है। सर, कतराब में कल गोली चलने की घटना के बाद बोल रहा हूँ, क्या मामला है सर इसमें, क्या घटना है? ये खरगोन जिले में थाना कसरावत अंतर्गत बाल समुद जो एक बड़ा ग्राम है, वहां पर फरियादिया द्वारा थाने आकर रिपोर्ट किया कि एक विजय पाटीदार करके वहां का शख्स है, उसके द्वारा उसके घर आकर के और अचानक गाली गलौज किया, धमकियां दिया और उसके लड़के निर्मला भाई फरियादिया के लड़के को जो है वो बाहर निकालने के लिए बोला, और इसी तारतम्य में अचानक उसके द्वारा जो है जो फरियादिया का पति वहां सोया हुआ था उसके ऊपर हमला कर दिया, और हमले के दौरान उसने फायर भी किया। मौके से पुलिस को एक चला हुआ कारतूस और दो जिंदा कारतूस मिले हैं। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, आरोपी को पुलिस तलाश रही। बताया जा रहा है कि ये पूरा गेम या काट के आया है और चाकूबाजी पहले कर चुका है। थाने के रिकॉर्ड के अनुसार विजय पाटीदार वर्ष 2017 में भी एक चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें नवंबर 2021 में इसको 7 वर्ष की सजा हुई। संभवतः इसको अभी ये पेरोल पर या जमानत पर छूटा है, इस बात की जानकारी ली जा रही है और इसे अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और पुराने मामले में भी जो इसको लाभ मिला है उससे वंचित किया जाएगा और न्यायालय में इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको चालान किया जाएगा। ये आपके घर पर रात को गोलियों की फायरिंग हुई थी, गोलियां चली थी, हाँ। इस विवाद को लेकर के ये विवाद हुआ था? ये विवाद इसलिए कि पहले मेरा छोरा उसके गाड़ी चलाता था, वैन 5 साल तक उसने चलाई, खर्चा पानी दे देता था, बाकी कोई हिसाब नहीं। फिर मेरा लड़का खुद की वैन ले आया तो वो बोले कि तेरी वैन मत चलाए,
मेरी चला, तो उसको इसने मना कर दिया कि मैं नहीं चलो तुम्हारी बहन, मेरी जब नई गाड़ी है तो मैं मेरी चलाऊंगा कि तेरी चलाऊंगा। फिर उसने गाली गुप्ता करी थी, इधर ऊपर देख के बात। हाँ, उसने गाली गुप्ता करी थी, फिर ये भी कहीं बिचक गया थोड़ा बहुत, तो भट्टे पे जाके उसको चाकू मार दिया। उसके बाद क्या, जेल चले गया था ये? उसके बाद जेल गया था ना, फिर जेल छूटने के बाद फिर इसने भी हमला, फिर अभी ये हमला करा, फायर कर दिया उसने डायरेक्ट। अच्छा, किसी को लगी अभी? नहीं, किसी को नहीं लगी, हम दो ही जने थे यहाँ, बच्चे नहीं थे, बच्चे रहते तो मार देता वो तब ना, हालांकि मैं लेटा नहीं रहता तो मेरे को मार देता वो तब। क्या नाम था उसका? विजय, विजय पाटीदार, ओंकार। तुम्हारा क्या नाम है? कैलाश। कसरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।